सुनी दत्त एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता थे। उनका असली नाम बलराज दत्त था। अपने जीवन काल में उन्होंने विभिन्न कर्तव्यों का बखूबी पालन किया था और साथ ही आम जनता के कल्याण के लिए भी काम किया। समाज में उनके असाधारण योगदान के कारण उन्होंने कई पुरस्कार के साथ साथ खिताब भी जीते हैं। उनके प्रशंसक आज भी उन्हें न केवल हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता बल्कि भारत की एक महान शख्सियत के रूप में याद करते हैं। सुनी दत्त का जन्म 6 जून 1928 को पंजाब के जेलामा के खुरदागवा में हुआ था। जब वे 5 वर्ष के थे तब उनके पिता दीवाना रघुनाथ दत्त का निधन हो गया। 18 साल की उम्र में उन्होंने भारत के विभाजन के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का देखा। उनके पिता के दोस्त यकूब ने उनकी माँ कुलावती देवी दत्त, भाई सोम दत्त और एक बहन रानी वाली सहित सुनील के पूरे परिवार को इन दंगों से बचाया और वे पंजाब में यमुनानगर के छोटे से गाँव मांडली में बस गए। फिर वह अपनी माँ के साथ लखनऊ चले आए और अहमदाबाद गली में रहने लगे। थोड़े समय के बाद वे मुंबई चले गए जहाँ उन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और 1954 से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उस समय के लिए सुनील ने पुना मुंबई इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट डिवीजन में नौकरी भी की थी। उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना करियर बनाने का फैसला किया और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1950 से 1960 के दौरान वो बॉलीवुड के शीर्ष अभिनेता में से एक थे। सुनील ने 1963 में फिल्म मुझे जीने दो और 1965 में खानदान के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 1964 में फिल्म यादें के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1967 में उन्होंने फिल्म मिलन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का BFG पुरस्कार जीता था। 1968 में उन्हें भारत सरकार से पद्मश्री सम्मानित मिला। 1995 में उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। 1998 में उन्हें भारत सरकार की ओर से राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला। उन्हें 3 बार लाइफस्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला 1997 में स्टार स्क्रीन द्वारा, दूसरा 2000 में अनंत दाखला अवार्ड द्वारा और तीसरा 2001 में जी सिनेमा अवार्ड द्वारा। 2005 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अकादमी द्वारा फाल्के रत्न पुरस्कार मिला। IIFS लंदन में भी उन्हें ग्लोरी ऑफ इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 25 मई 2005 को 34 वर्ष की आयु में मुंबई में बांद्रा स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और मुंबई के सांताकू शमशान में पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुनी दत्त पाकिस्तान के जेलामा जिले के पंजाबी परिवार से है। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे तब उनके पिता दीवाना रघुनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। पाकिस्तान से स्थानांतरित होने के बाद उनका उनके भाई सोम दत्त और बहन राजा रानी बाली का पालन पोषण उनकी माँ कुलावती देव दत्त ने भारत में किया था।